हेलो पापा, बिल्कुल सही टाइम पे कॉल किया है आपने। क्यों बेटा, कहाँ घूम रहे हो दोनों भाई बहन? आज हमारे रौरकेला के लिए एक प्राउड मोमेंट है। क्यों बेटा, रौरकेला वर्ल्ड कप जीत गई क्या? नहीं पापा, आज यानी 26 जनवरी 2021 को पूरे उड़ीसा में सबसे ऊंचा तिरंगा, सबसे ऊंचा फ्लैग पोल हमारे यहाँ इनॉग्रेट हुआ है। ये जगह इस्पात सरोवर उद्यान के नाम से जाना जाएगा पापा। गर्व से छाती चौड़ा हो गया। जी हाँ पापा, वही हम देखने आए हैं आज। सही है बेटा, मुझे भी जरा दिखाओ आजू बाजू क्या क्या हुआ है। जरूर पापा, आप हमारे साथ बने रहे। पापा ये देखो, आजू बाजू जितने भी इलेक्ट्रिकल काम हुए हैं ना, लाइटिंग वगैरह, सारे कुछ बजाज इलेक्ट्रिकल्स वालों ने ही संभाला है। अरे इन बजाज वालों को कॉल लगा जरा, हमारे टॉयलेट का बल्ब नहीं चल रहा बजाज का यार, 1 महीना हो गया। पापा कुछ भी आप बोल रहे हो। पापा ये देखो, आजू बाजू कितने मस्त मस्त आकृतियां बनी है। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग बॉलिंग क्यों कर रहे हैं यार? लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम कुछ भी पापा। पापा ये देखो, ठीक बाजू में एक तालाब भी बना है। आई थिंक आगे जाके यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई यार। अरे बेटा देख, चीता चीता। पापा वो कछुआ है। बेटा ये सब पानी में क्या देख रहे हो तुम लोग? अरे पापा क्या बताऊँ आपको, सारे पागल है इधर। हमने किसी से पूछा कि तुम लोग क्या देख रहे हो अंदर, तो उस बंदों ने बोला कि हमें क्या पता, बाजू वाले देख रहे हैं अंदर तो हम भी देख रहे हैं। ऐसा क्या? अरे देख देख देख, तेरे पापा जी। अरे पापा वो मेंढक है। अरे वाह, पानी के साथ सेल्फी भी लिया जा रहा है पापा। बट सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी पता है, इस तिरंगे को देखने के लिए इतनी सारी भीड़ आई है, इसी से ही पता चलता है कि देशभक्ति की भावना हमारे इंडियंस के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है ना पापा? बेटा तूने सही बात कही, बिल्कुल एग्री करता हूँ। आई लव माय इंडिया, वी लव आवर इंडिया। और सबसे अच्छी बात पता है कि पापा, ये इनॉग्रेट होने के बाद देखो यहाँ पे छोटे छोटे जो वेंडर्स थे ना, इन लोगों का भी बिजनेस यहाँ बढ़ेगा। देखो कितने सारे लोग आ गए, इनका बिजनेस भी बढ़ गया। अरे वाह बेटा, फाइनली जो वड़ा पाव ठेला खोलने का मेरा सपना था वो पूरा होगा। पापा आप भी ना, चलो अभी बहुत देर हो गई, अभी हम आपको सरप्राइज के बारे में बताते हैं, उसके लिए हमें फूड कोर्ट में जाना पड़ेगा। पापा ये रहा वो सरप्राइज, ये आरएफसी है, ये हाल ही में कुछ ही दिन पहले ही लॉन्च हुआ है रौरकेला में। क्या खासियत है बेटा यहाँ? केएफसी लेवल के ही मिल जाएंगे आपको सारे चिकन आइटम्स यहाँ पे, और वो भी बहुत सस्ते में। पापा हमने खुद ट्राई किया है और बेस्ट है ये। सबसे बेस्ट आइटम इनका चिकन पॉपकॉर्न है, वो भी 35 पर प्लेट। अरे बेटा तूने तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया, मैं तो केएफसी जाने से ही डरता था यार, इतने महंगे महंगे 35 रुपया में पॉपकॉर्न अगर यहाँ मिल जाए मुझे, मैं क्यों केएफसी जाऊँ? वही तो पापा। और इनका पॉपकॉर्न बनाने का तरीका भी हमने शुरू से एंड तक देखा, बहुत ही हाइजीनिक मेंटेन करते हैं ये लोग। हमने बहुत बार ट्राई किया है और इनका खुद 5-6 ब्रांचेस खुल रहे हैं और आगे भी खुलने वाले हैं रौरकेला के अंदर पापा। पर बेटा मैं कैसे मानूं कि ये टेस्टी है? अच्छा जो वो जो दो बंदे बैठे हैं उनको पूछ रहा। ओके पापा रुको, यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त अभी जस्ट टेस्ट कर रहे हैं ये, और हम उनसे जानते हैं कि ये सच में कैसा लग रहा है, क्योंकि लोग इसको बोल रहे हैं कि ये केएफसी का एक अल्टरनेट मिल रहा है पॉपकॉर्न इनको, और कम प्राइस में। तो हमारे एक दोस्त बने फ्रेंड, सच बताइए कैसा लग रहा है ये आपको? बहुत अच्छा है, रौरकेला केएफसी से बहुत बेटर है ना, क्योंकि वहाँ पे प्राइस बहुत, अभी यही वाला चीज अगर केएफसी में खाते तो आपको ऑलमोस्ट इनका 4 गुना ज्यादा, 90 का आता है शायद। करेक्ट, तो यहाँ पे हाफ प्लेट आपको 35 पे मिल रहा है, राइट? तो सीरियसली आप रेकमेंड करो सबको? हाँ, रेकमेंड। ये टेस्ट कीजिए। पापा आप बोलते थे ना केएफसी बहुत महंगा है, हमें नहीं लेके जाते थे, अभी देखो ये तो सिर्फ 35 रुपया में ही मिल रहा है यहाँ पे पॉपकॉर्न। पापा देखो 35 रुपया ही, क्या आप मुझे यहाँ लेके आओगे? अरे बेटा बार बार लेके जाऊंगा, पर इसका लोकेशन कहाँ पे बताओ? पापा जब आप अंबागान फूड कोर्ट में एंटर करेंगे ना, तो पूरे एंड में आना पड़ेगा आपको, फिर आपको राइट साइड में ही दिख जाएगा इनका काउंटर। पापा बहुत टेस्टी है पापा, बहुत अच्छा लगा मुझे। पापा इनका नाम याद रख लो, RFC, रौरकेला फ्राइड चिकन। KFC के साथ कंफ्यूज मत हो जाना पापा। नहीं, पापा मेरे को पॉपकॉर्न खाने को पैसे दो ना। पापा निकल गए।